हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हांडी चिकन की रेसिपी बताऊंगी और आज हम मुर्गे की बजाय मुर्गे की वाइफ यानी कि मुर्गी का सालन बनाएंगे। तो ये हांडी चिकन थोड़ा सा डिफरेंट होगा और टेस्टी और भी ज़्यादा होगा चिकन से, जो मुर्गे का चिकन होता है उससे ज़्यादा टेस्टी होगा। तो यहाँ पर मैंने हाफ के जी मुर्गी का चिकन ले लिया है और ये मुर्गी थोड़ी सी देर में गलती है प्रेशर कुकर में और इसकी बोन्स से जो आप जोश आता है उसका सारा फ्लेवर होता है, तो ये बहुत ही अच्छी टेस्ट में बनती है। तो यहाँ मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और इसको प्रेशर कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें मैं डाल दूँगी एक चम्मच अदरक का लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच अदरक का पेस्ट, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट और डेढ़ गिलास के बराबर मैंने यहाँ पानी डाल दिया है और इसको अच्छे से हम मिलाकर इसको प्रेशर कुक करेंगे जब तक कि 4-5 विसल नहीं आ जाते, क्योंकि इतने टाइम में ही ये गोश्त जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाएगा। अब हम इसको गैस पे रख देते हैं, 4-5 विसल आने के बाद हम इसको चेक कर लेते हैं ये अच्छे से हुआ है या नहीं। तो ये देखिए चिकन अच्छे से टेंडर हो चुका है और इसमें काफ़ी अच्छी खुशबू भी आ रही है, ये आपको बकरे के मटन की तरह ही लगेगा। और यहाँ पर एक पैन में पहले हम ड्राई रोस्ट कर लेते हैं कुछ स्पाइसेस। तो यहाँ मैंने कोरिएंडर सीड्स ले लिए हैं, खड़ा धनिया 2 चम्मच के बराबर, ये टीस्पून है और 8-10 यहाँ पर मैंने खड़ी लाल मिर्च ले ली हैं, ये ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, इनसे कलर भी अच्छा आएगा और मीडियम ही स्पाइसनेस है। इसमें इनको ड्राई रोस्ट करना है और इनको जब ये अच्छे से 1-2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे लो फ्लेम पर, फिर हम इसका एक पाउडर बना लेंगे। पाउडर बनाना, इसको रोस्ट करने से 2 फ़ायदे होते हैं, एक तो पाउडर जो है वो अच्छे से बारीक सा बन जाता है और ज़्यादा मुश्किल नहीं होती इसको ग्राइंड करने में। तो ये हमने इसको पीस लिया है लेकिन थोड़ा सा हमने इसको मोटा ही रखा है। और यहाँ एक पैन में हमने घी ले लिया है, एक टेबल स्पून हमने घी लिया है और 1 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल मिलाया है। यहाँ मैं 1 तेज़ पत्ता डाल देती हूँ। हांडी चिकन है तो इसलिए हम इसको हांडी में ही बना रहे हैं। और 2 हरी इलायची, 1 बादियान का फूल और 1 बड़ी इलायची और ज़रा सा टुकड़ा दालचीनी का हमने डाल के इसमें 1-2 मिनट के लिए सौटे कर लेना है ताकि इसका जितना भी अरोमा है वो अच्छे से ऑयल में रिलीज़ हो जाए। इसके बाद हमने 3 मीडियम साइज़ की प्याज थी उसको हमने बारीक पीस के पेस्ट बना लिया है, उसको हमें ऐड कर देना है और अच्छे से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। ये फ्राई होते हुए 10-15 मिनट हो चुके हैं और हमारी प्याज थोड़ी सी गोल्डन भी होने लगी है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून जिंजर का पेस्ट और 1/2 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और इसके साथ कम से कम 2-3 मिनट तक हम अच्छे से भूनेंगे इसको। पहले के टाइम पर इसको ज़्यादातर अभी भी मिट्टी की जो हांडी होती है उसमें बनाया जाता है, लेकिन अभी हमारे पास ये थी नहीं इसलिए हमने इसको जो हांडी मार्केट में मिलती हैं वही ली हैं। और ये हमने जो मसाला पीसा था धनिया और मिर्चों का वो हमने ऐड कर दिया है और मसाले के साथ हमें अच्छे से इसको भूनना है। अगर आपका इस मसाला स्टिकी हो तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1/2 टीस्पून क्यूमन पाउडर यानी रोस्टेड ज़ीरा पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, ये दोनों डाल दिए हैं और 1/2 टीस्पून ही हम यहाँ पर गरम मसाला डालेंगे और इसके बाद एक मिक्स करेंगे। इसके बाद आप चाहें तो पानी की जगह आप जोश था उसको आप थोड़ा थोड़ा डालकर आप इसको भून सकते हैं। ये देखिए हमारी ग्रेवी भुनती हुई काफ़ी अच्छी हो गई है और यहाँ मैंने रेड कश्मीरी मिर्च, नमक, रोस्टेड कसूरी मेथी और 1/2 टीस्पून मैंने वाइट पेपर लिया है और इसको मैंने इसमें डालकर अच्छे से मिला लिया है।
यहाँ मैंने हाफ कटोरी के बराबर दही लिया है, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, ये हाफ कप था। अच्छे से इसको भून लेना है दही के साथ, 10-1 मिनट तक उसको हाई फ्लेम पर ही हमें भूनना है, और थोड़ा सा कवर करके रख देंगे। 5 मिनट बाद हम इसको हटा कर देखेंगे तो ये अच्छे से बबल्स आ रहे हैं, सरफेस पर ऑयल भी दिखने लगा है। इसको एक बार फिर मिक्स करेंगे और इसके बाद हमारा जो चिकन है वो मुर्गी इसमें डाल देंगे। इसका पानी सबसे ज़्यादा टेस्ट, इसका जो हड्डियों का आप जोश आता है पानी में इसके, उसी से आता है। तो अब हम इसको मिला लेते हैं। इसके साथ मिक्स करने के बाद थोड़ी देर 5-10 मिनट के बाद हम इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर फ्रेश क्रीम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम जो मार्केट में मिलती है वो नहीं है, तो आप नॉर्मल जो घर में दूध से मलाई उतारी जाती है वो आप डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं फ्रेश क्रीम अमूल की ले रही हूँ। और ये अच्छे से भुन चुका है, मसाला अच्छा दानेदार हो चुका है, इसको लगातार आप चलाते रहें। अब आप अपने हिसाब से ग्रेवी रख सकते हैं, चाहे तो आप इसमें पानी ना भी डालें, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी ग्रेवी रखना पसंद करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 गिलास पानी डाल दिया है। और अब इसको कवर करके हम 10 मिनट के लिए बॉईल देंगे, और 10 मिनट के बाद हम ये देखते हैं तो ये अच्छे से बॉईल हो चुका है, इसका पानी भी अब एक जान हो चुका है। अब हमने फ्लेम को कर दिया है ऑफ और इसको मिक्स कर लेते हैं, और एक लास्ट काम हमें करना है जिससे इसका फ्लेवर और इन्हेंस होगा। यहाँ मैंने चारकोल गरम करके बॉल में और इसको सेंटर में रख दिया है। इस पर सिंपल सा हम थोड़ी सी जो घी है उसके ड्रॉप्स डालेंगे और इसको कवर करके रख देंगे कम से कम 2 मिनट के लिए, जिससे इसका जो सारा स्मोक है वो इसी में ही ऑब्ज़र्व हो जाए। 2 मिनट के बाद हम इसको हटा लेंगे और एक बार मिक्स कर लेंगे। ये हमारा हांडी चिकन बिल्कुल तैयार है, करते हैं डिश आउट। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।